हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। और दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम आपको अपना गाड़ी का क्लच का काम जो हमने कराया एक्सयूवी के अंदर अपनी, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। आपको इसका मैंने हालांकि ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया हुआ है, आपको छोटा मोटे वीडियो मिलेंगे इसके, लेकिन जो भी है आपको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। और उससे क्या हुआ, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जस्ट हमारा काम इन्फॉर्मेशन देने का है, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, उसमें क्या खर्चा आया, कितने का लगा, क्या पार्ट्स लगे, सब बताता हूँ आपको। तो वीडियो बने रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भाइयों और सभी लोग जो हमारे चैनल को फॉलो करते हैं दोस्तों, उन्हें पता होगा कि हमारी गाड़ी एक्सयूवी 500, इसका हमने सस्पेंशन भी कराया है अपना, फ्रंट वाला, रियर वाला, पीछे वाला, और अभी रिसेंटली इसका हमने क्लच का काम कराया। इसका क्लच जो है बहुत हार्ड हो गया था एकदम से, और उसका जो क्लच सिलेंडर होता है वो भी टूट गया था। थोड़ा सा एक्सरसाइज करी, कुश्ती करी, तो दोस्तों उसके बाद में क्या हमें पता लगा कि इसकी क्लच प्लेट जो है वो ख़त्म थी बिल्कुल, तो हमने इसमें क्लच प्लेट जो है नई डलवाई हैं। तो दोस्तों अब आपको हम बताएंगे इसके अंदर कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें हमने करी हैं। कुछ फुटेज है, ज़्यादा फुटेज नहीं है, थोड़ी बहुत फुटेज है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कुछ पिक्स वगैरह होंगी वो आप देख लीजिए, और उसके आगे फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हम लोगों ने कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करी हैं और क्या खर्चा आया इसके अंदर, कितना टाइम लगा। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं सीधा लेके चलता हूँ फुटेज के पास में अपनी। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि आपने हमारी फोटोज देखी, थोड़ी बहुत थी जो भी थी, क्यों ज़्यादा बनाया नहीं, मूड ख़राब था, टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लगा इसके अंदर। और उसके बाद में क्या है हमारा जो है, इसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि इसके अंदर खर्चा कितना आया हमारा, क्या क्या सामान लगा है। जैसे कि आपने देखा, इसमें एक तो क्लच प्लेट, सबसे पहली चीज़ क्लच प्लेट डली है। दूसरी चीज़ इसके अंदर प्रेशर प्लेट भी पूरा सेट आता है, क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट का, तो ये दोनों चीज़ डली हैं। तीसरा इसके अंदर क्लच बेयरिंग होता है, उसे बेयरिंग ही कहते हैं, वो बेयरिंग डाला है इसके अंदर। चौथा हमारा इसमें क्लच सिलेंडर होता है जो हमारे क्लच के पास में होता है। अभी मैं आपको कैसे दिखाऊं, एक बार मैं दिखा भी देता हूं आपको। देखिए दोस्तों, जो ये क्लच है ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है अभी, ये देखिए दोस्तों, पहले ये बिल्कुल जब नहीं रहा था, हार्ड हो गया था, और ये जो है हार्ड होने के बाद में इस पर हम थोड़ा सा जोर आजमाइश करी, और ये सिलेंडर की जो प्लास्टिक का होता है लीवर होता है वो टूट गया, तो क्लच सिलेंडर भी नया डलवाया साथ में हमने इसमें। तो ये चार आइटम डली हैं इसके अंदर, लेकिन चार आइटम डालने के लिए बस सर आप विश्वास नहीं करेंगे साहब, पूरे दो दिन लग गए इसके अंदर करने में काम को, क्योंकि मैं यहाँ से बाहर था, गाजियाबाद में हूँ अभी, तो पार्किंग में हूँ, आप सामने देख रहे होंगे। लेकिन क्या, हम लोग जो है, मैं इसको गाड़ी को लेकर बाहर गया हुआ था, तो वहीं पर हमने इसको जो है खुलवाया इसको। उसको खोलने के लिए क्या होता है दोस्तों, आपको बताता हूँ, पूरा डिटेल में बताता हूँ आपको, जिससे कि अगर आपका एक्सयूवी है तो आप लोगों को पता रहना चाहिए क्या क्या चीज़ें आपकी जो है खुलेंगी इसमें। सबसे पहले तो आपका बैटरी उतरती है गाड़ी पे से, बैटरी निकाली, एयर फिल्टर बॉक्स होता है वो निकलता है पूरा इसमें। उसके बाद नीचे जो चिमटे के हमारे दोनों पहिए खुलते हैं साइड के,
और पहियों के साथ में उसके जो एंड जॉइंट्स होते हैं वो खुलता है दोनों साइड के, पूरा अगला सस्पेंशन मतलब अगर खोला जाता है, नीचे जो है जो चेसी होती है, चेसी के चार बोल्ट होते हैं नीचे, वो चारों बोल्ट खोले जाते हैं सॉरी उसके साथ में जो गियर बॉक्स के जो नट्स वगैरह होते हैं वो सब खुलते हैं, और इसे जैक पे लगा करके गियर बॉक्स को, क्योंकि इसका गियर बॉक्स बहुत बड़ा है तो जैक पे लगा के इसको उतारा जाता है, इसको गियर बॉक्स को उतारने के बाद में इसमें जो है इसको क्लच प्लेट को, इसका प्रेशर प्लेट को, इसका जो क्लच बेयरिंग है उसको, इन तीनों चीज़ों को चेंज किया जाता है दोस्तों। तो ये तीनों चीज़ें हमने चेंज कराई वहाँ पे, और चेंज कराने के साथ साथ ही हमने इसको फिर ये हमारी जो है गाड़ी हमारी अभी बिल्कुल न्यू जैसी हो गई है, गाड़ी का पिकअप अनमैच्ड बिल्कुल न्यू जैसा रॉ पिकअप हो गया गाड़ी के अंदर, और परफॉर्मेंस बढ़ गई है गाड़ी की पहले से, क्योंकि बीच में क्लच ख़राब था तो थोड़ा सा आपको पता है प्लेट ख़राब होने की वजह से गाड़ी पिकअप नहीं आता ज़्यादा, और वैसे भाग अच्छी रही थी 160-170 हमने भगाई है टेस्टिंग के लिए केवल, तो हमने भगाई है तो भागी है गाड़ी, ऐसा नहीं है, लेकिन चेंज होने के बाद में और अच्छा स्मूथनेस बढ़ गई इसकी, अब परफॉर्मेंस भी बढ़ गई काफ़ी इसमें, और ये सारा इसके अंदर आया। अब मैं आपको बताता हूँ खर्चा इसके अंदर कितना आया, खर्चे में देखिए दोस्तों आता है इसके अंदर क्लच प्लेट और क्लच बेयरिंग प्रेशर प्लेट सॉरी, इन दोनों का खर्चा आता है करीब करीब 10,000 रुपये का, 12,000-11,000-12,000 रुपये की MRP थी जो डिस्काउंट लगा करके हमें 10,000 कुछ रुपये की पड़ी हमें, और जो जो क्लॉक स्प्रिंग आता है, जो क्लच बेयरिंग आता है, क्लच बेयरिंग जो होता है वो हमारा, अच्छा मैं बताना भूल गया आपको सॉरी, ये स्टीयरिंग भी खोला जाता है क्योंकि इसमें स्टीयरिंग रैक उतरती है पूरी नीचे से, जैसे स्टीयरिंग ही पूरा खुलता है और खुलने के बाद में ही ये पूरा जो है सब निकल जाता है सामान, तभी जो है आप उसका क्लच बॉक्स निकाल पाएंगे और तभी आपका जो है काम होगा आगे इसमें। अच्छा बैक टू द पॉइंट करने के बाद में इसमें जो है हमने क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट दोनों का सेट होता है दोस्तों, वो जेन्युइन महिंद्रा का डलवाया हमने, और भी आते होंगे लेकिन हमने देखा भी नहीं उस साइड में, हमने जेन्युइन महिंद्रा का ही डलवाया है इसमें, तो उसका मोटा मोटा जो रफ एस्टिमेट खर्चा है 10,200 या 300 रुपये के आसपास खर्चा था उसका, 500 पकड़ लो 10,500 के आसपास पकड़ लो आप मोटा मोटा, 4,000 रुपये करीब का इसका क्लच बेयरिंग होता है, वो बेयरिंग डला इसके अंदर, और 1500-1600 रुपये का सिलेंडर था वो डला इसके अंदर, तो मोटा मोटा 16,000-1,000 रुपये का खर्चा आया, 16,000-17,000 रुपये का ये चारों आइटम का खर्चा आया, और ऊपर से जो लेबर है वो लगी लगभग लगभग 5,000 रुपये के आसपास में लेबर लगी है, आप समझ सकते हैं लेबर कितनी हाई फाई है क्योंकि खर्चा बहुत है इसके अंदर खुलने के बाद में, बल्कि इनफैक्ट इस गाड़ी में फिर भी कम है, और जो गाड़ी आ रही हैं लेटेस्ट वाली उनमें तो और भी ज़्यादा खर्चा आता है, उनकी जो क्लच प्लेट है वो भी बहुत एक्सपेंसिव है और उसका जो खर्चा है वो भी ज़्यादा है उनमें, मतलब 20-22,000 रुपये में मेरा ये टोटल सारा काम पड़ गया मुझे जो है, जिसमें कि लेबर भी थी, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और क्लच बेयरिंग और क्लच सिलेंडर जो होता है, चारों चीज़ें थी, और इन चारों को खर्चा मिला के करीब 20-22,000 रुपये का खर्चा, 22,000 रुपये के आसपास, 22,500 पकड़ लीजिए मोटा मोटा, 17,000 रुपये वो 4-5,000 रुपये वो पकड़ लीजिए तो करीब करीब 22,000 रुपये बनता है, 200-300 रुपये पेट्रोल का हो गया, धोती हो गई, छोटा मोटी चीज़ें और थी तो 400-500 रुपये भी जोड़ लीजिए इसके अंदर आप, तो 22-23,000 रुपये का आपको इसमें खर्चा आने वाला है, एक अच्छे किसी मैकेनिक से कराएंगे आप। अभी देखिए इसको कराने के बाद में क्या इशू आया है, हमारा गाड़ी के अंदर ये एयरबैग की लाइट जो ओपन हो गई है, तो अभी ये कुछ नहीं है, ये हमें इस पर एक बार स्कैन करवाना है गाड़ी को, स्कैन करा के जो है उसके बाद हम इसको इसका जो है हमारा एरर जो चला जाएगा, क्योंकि हमारा क्लॉक स्प्रिंग जो है वो सब काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, मैंने सब चीज़ें चेक कर ली हैं, जो क्लॉक बेयरिंग होता है नीचे इसके नीचे नहीं लगा होता है एयरबैग वाला, जहाँ पर एयरबैग की वायर आके उसमें लगती है, तो वो अच्छे से काम कर रहा है अभी, बाकी देखते हैं अभी इसको एक दो दिन में इसको स्कैन करा के इसकी एयरबैग की लाइट हटवाएंगे या सेंसर कुछ होगा हटा हुआ होगा तो वो दिखवाएंगे, वट एवर जो भी होगा करवाएंगे इसको भी। तो ये देखिए दोस्तों ये सारा खर्चा आता है इसके अंदर अगर आप जो हैं SUV का काम कराएंगे, क्योंकि SUV अब 21 के बाद 22 के बाद से ये गाड़ी बंद हो गई थी 21 के बाद से, तो अभी जो भी गाड़ियाँ रही होंगी पुरानी रही हैं अब वही 31 तक तो चलेंगी कम से कम, ये भी है हमारा 2019 का मॉडल है। तो दोस्तों ये सारे खर्चे होते हैं गाड़ी को काम कराने में, ये अनएक्सपेक्टेड खर्चे हैं, मैं ट्रिप पे था बाहर गया हुआ था रास्ते में अचानक ख़राब हो गया, अचानक जरूरत पड़ी सब चीज़ें करानी पड़ी, दो दिन का स्टे और एक्स्ट्रा करना पड़ा,
तो इसलिए इन चीज़ों के लिए तैयार रही है। पुरानी गाड़ी ले रहे हैं तो उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना है कि आप किसी भी स्थिति में अगर फंसे हैं तो आप कम से कम उसको जो है सॉल्व कर सकें उसको प्रॉब्लम को। तो यही था वीडियो हमारी यहाँ तक की, थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी, इन्फॉर्मेशन वाले से भरी वीडियो थी। अली अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब आपने करना है। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आ रही है, शादियों में बिजी था, फैमिली में शादियाँ थी, काम में बिजी था थोड़ा सा, नहीं डाल पाया। CSG की बहुत सारी गाड़ी की डिलीवरी करी है, वो भी डाली हमने, सब चीज़ें मिस हो गई हैं बीच बीच में। लेकिन कोई नहीं दोस्तों, आप लोगों का प्यार बनाए रखें, बनाते रहें, धीरे धीरे हमें मोटिवेट करें। हम भी बीच बीच में क्या मोटिवेशन छोड़ देते हैं, आपके लोग ये सब्सक्राइब नहीं करते, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, हमें प्यार दीजिए अपना, और आगे बढ़ाने के लिए हमें जो है थोड़ी सी आप मोटिवेट कीजिए साथ में। और कुछ भी आपको इंक्वायरी करना आप कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट पर रिप्लाई करेंगे आपको। तो ये वीडियो यहीं तक था दोस्तों, मिलते हैं आपसे ऐसी किसी वीडियो के लिए, मैं आपसे नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए क्या दोस्तों, हर हर महादेव।